वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ द ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, जिसमें कि ए बी जो साइड है वो P पे प्रोड्यूस की जाती है। ए लाइन टू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट्स सी बी, तो हमें सी बी भी एक्सटेंड करना है अप टू क्यू। देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड एट क्यू, जो कि रेड पैरेललोग्राम है हमारे पास। So that the area of this yellow parallelogram is equal to the area of this red parallelogram. As per the hint, हमने एक line draw की AC और PQ, which is the diagonal of respective parallelogram. Now we are going to compare the ACQ, right, and the APQ. APQ. So we are going to compare these two triangles. Area wise, right? So starting with the construction point, that what we did, we joined the diagonal AC and PQ. So ये हमने construct किया है. Now since AC and PQ जो हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं वो क्या है, रिस्पेक्टिव पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड द पैरेललोग्राम जो रेड वाला है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बी पी आर क्यू से रेस्पेक्टिव, राइट। सो Now we can write the area of ABC. ABC is equal to this area ABC, the half of the quadrilateral or parallelogram ABCD is equal to the half of the area of ABC. D, because this is a parallelogram, right? So another parallelogram, the triangle PBQ, so the upper triangle PBQ, so this triangle area is equal to half of the respective area of the parallelogram, so that is represented by BPR, right? So we are going to say this is second number equation. Now the triangle ACQ, we are going to make it green, the triangle green one, ACQ. So we are talking about this triangle, the green one. Another, the black triangle, we are going to focus A Q P and so A P Q. So ये दो ट्राइंगल हम यहां फोकस कर रहे हैं, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल का जो बना हुआ है बेस वो कॉमन है, दैट इज ए क्यू, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। सो वी कैन राइट इन द स्टेटमेंट नाउ the triangle, which one, the green one, ACQ, and the triangle, the black one, AQP, are on the same base, right? वो base क्या था, अभी बताया था हमने AQ, and also that is
बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन द सेम पैरेलल पैरेलल्स ए क्यू और दूसरी क्या है सीपी, वी कैन राइट एंड सीपी राइट। तो क्या होगा इससे दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ए सी क्यू ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए क्यू, ए क्यू एंड पी, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा राइट। अब क्या है कि ए सी क्यू में से अगर हम ए बी क्यू माइनस कर देते हैं ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास ए सी बी। इसी तरह से अगर हम इसमें ए क्यू पी में से ए बी क्यू घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा बी पी क्यू राइट। सो वी आर राइटिंग दैट एरिया ए सी क्यू जो बड़ी ट्राइंगल है राइट द ग्रीन वन, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ए बी क्यू जो कॉमन ट्राइंगल है एंड सेम वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ए क्यू पी राइट माइनस द एरिया ए बी क्यू। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास ट्राइंगल क्या आने वाली है दैट इंप्लाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस अपर वन ए बी सी, और यहां क्या आने वाली है एरिया दैट इज बी पी क्यू। तो ये हमारे पास आने वाली है राइट। सो नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। नाउ वी आर हैविंग ए बी सी इक्वेशन नंबर वन में देखिए और ए बी पी क्यू इक्वेशन नंबर टू में देखिए। अब दोनों का एरिया बराबर है, इट मींस के जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो भी बराबर है ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम द इक्वेशन वन एंड टू व्हाट वी कैन राइट द राइट साइड एरिया वन बाय टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू वन बाय टू एरिया ऑफ बी पी आर क्यू राइट। सो बोथ आर इक्वल, सो हाफ से हाफ कैंसिल होगा एंड दैट इंप्लाइज द एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पी बी क्यू आर राइट। तो यही हमें प्रूव करना था, वी कैन राइट हैंस प्रूव राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, वी आर going to have more solutions of the problems, please be with us.